या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की नवरात्र विशेष पेशकश और मैं हूं आपके साथ जयती। आशा करते हैं कि नवरात्र के 9 दिन में आप व्रत भी रख रहे हैं, माता की उपासना भी कर रहे हैं, क्योंकि देवी की उपासना के लिए शारदीय नवरात्रों का बहुत खास महत्व होता है। बात करेंगे माता के सातवें स्वरूप की, जिनका नाम है कालरात्रि। देखने में भयानक, केस फैले हुए, डराने वाली माँ, लेकिन माता के इस रूप की भी कई खास बातें हैं। जातक आज के दिन की उपासना करके किस दिन से किस तरह से अपने नवरात्रि के इन त्योहारों को, इन व्रतों को और ज्यादा सफल बना सकते हैं, किस तरह से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी के साथ में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। पंडित जी, सातवां स्वरूप माता का, माँ कालरात्रि माँ, देखने में बहुत भयानक है, डराता है। छोटे बच्चे जब देखते हैं माता को बाल फैलाए हुए, जीभ निकाले हुए, तो यकायक डर जाते हैं, लेकिन इनके स्वरूप की भी कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले माता का ये स्वरूप किस चीज को वर्णित करता है? देखिए, माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप का नाम माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि एक तांत्रिक उपाय के लिए इनकी पूजा अर्चन होती है। माँ दुर्गा के जो एक स्वरूप सातवां स्वरूप है, काफ़ी भयंकर है, ये बात सही है। इनके शरीर का रंग काला होता है। माँ कालरात्रि के गले में नरमुंड की माला है और कालरात्रि के 3 नेत्र होते हैं, उनके केस खुले हुए हैं। माँ गंधर्व की सवारी करती भी है, यानी गधे की सवारी करती है। माँ के 4 हाथ हैं, एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में लोहे का कांटा है। कालरात्रि की जो हम बात कर रहे हैं, ये माँ का स्वरूप है। माँ कालरात्रि अपने आप में समस्त भय, कष्ट, पीड़ा का निवारण या उनसे मुक्ति दिलाने वाली शक्ति का नाम है। कालरात्रि कहते हैं कि इनकी पूजा अर्चन करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं का दमन होता है, और यहाँ तक कि अनेकों प्रकार के किसी प्रकार की मुसीबत में कोई व्यक्ति पड़ा रहता है तो उसे भी मुक्ति मिलती है। कालरात्रि का विशेष जो हम बात करते हैं इनकी पूजा के विधान का, तो माँ कालरात्रि की पहले ही पूर्व मैंने बोला कि तांत्रिक विधि से पूजा होती है। मदिरावी देवी को अर्पित करते हैं। सप्तमी की रात्रि को भी और दिन में भी सिद्धियों की रात कही जाती है, इसलिए और सिद्धि का दिन कहा जाता है। पूजा विधान में हमारे शास्त्रों में जैसा वर्णित है उसके अनुसार पहले कलश की पूजा करनी चाहिए, 9 ग्रहों की पूजा करनी चाहिए, 10 दिक्पाल की पूजा करनी चाहिए, देवी के परिवार में उपस्थित देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए, और फिर उसके बाद कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा में, दुर्गा पूजा में सप्तशती तिथि का काफ़ी महत्व है। इस दिन से भक्त जनों के लिए देवी माँ का दरवाजा आशीर्वाद के खुल जाता है और भक्तगण पूजा स्थल पर देवी के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, मनोकामना सिद्ध करने के लिए एक लाइन में लग जाते हैं। और जब माँ का आशीर्वाद मिलता है कालरात्रि का, तो आप मानिए कि मृत्यु भय पास में भी नहीं आते और वो कहीं दूर दूर तक नहीं सताते। देवी का ये रूप रिद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाला है। देवी भगवती के प्रताप से सब मंगल ही मंगल होता है और माँ का की पूजा विधान है। लेकिन कालरात्रि का जो है, आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कर रहे हैं, अर्घरा स्त्रोत के पाठ कर रहे हैं, कीलक कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा इति कर रहे हैं, तो आपको हवन जरूर करना चाहिए। और दशा अंश जो हवन है माँ भगवती का, उसमें जौ और अनेकों प्रकार की नैवेद्य होती हैं, और दुर्गा सप्तशती में इनके सिद्ध मंत्रों के द्वारा जो आहुति करते हैं उनमें अगर तगर, नागर मोथा, जटामासी, कसकस इत्यादि वस्तुओं का उसमें डाला जाता है। विशेष तौर पे आपको बता दें, कालरात्रि को प्रसन्नता देने वाली यदि पूजा के दौरान भक्त को चढ़ाना है तो गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ के भोग से माँ बहुत प्रसन्न होती है। साथ ही जब आप हवन करते हैं, इन सामग्री के साथ में काली मिर्ची भी डालते हैं। लौंग जरूर माँ को हवन में डालनी चाहिए, इलायची भी डालते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इनके सिद्ध मंत्र जो दुर्गा सप्तशती में पीछे दिए हुए हैं, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः,
मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य न संशयः। इस प्रकार से जो मंत्र हैं ये बड़े मन को प्रसन्न करने के साथ समस्त जीवन के कष्ट पीड़ा व शत्रुओं का नाश करता है, समस्त भय और मृत्यु को दूर करता है। कालरात्रि की पूजा अपने आप में एक विशेष पूजा कहलाती है। जैसा कि सिद्धि साधना करने वाले कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चन करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने एक बड़ी खास बात कही कि असुरों का नाश करने वाला स्वरूप है माता का, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा असुर है हमारा क्रोध। व्यक्ति का क्रोध उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा राक्षस होता है। और मानसिक तौर पर जो लोग परेशान होते हैं उन्हें भी कई सिद्ध पंडित बताते हैं कि आप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कीजिए, आप उन्हें नमन कीजिए। और आज के दिन में किस तरह से विशेष बाधाओं से पीड़ित लोग इनकी पूजा कर सकते हैं, जिन्हें कुछ खास बाधाएं हैं, प्रेत बाधा हो गई या फिर मानसिक तौर पर परेशान है। देखिए, आपने एक अच्छा बात कही है, ये बात ठीक है कि आज क्रोध एक बड़ा दुश्मन है। और व्यक्ति को क्रोध ना आए तो फिर वो भी जीवन नहीं है। क्रोध शरीर में अग्नि और जल, ये पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, इसमें क्रोध का होना भी जरूरी है। मगर क्रोध पर आपका नियंत्रण होना जरूरी है, क्रोध पर नियंत्रण रहना जरूरी है। क्योंकि जहाँ विनम्रता है, जहाँ शालीनता है, जहाँ शांति है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार की धन दौलत है, और जहाँ कुमति है वहाँ सब प्रकार के कष्ट उपस्थित हो जाते हैं। और कुमति शब्द केवल केवल क्रोध से आता है, इसलिए क्रोध भले ही रहे लेकिन उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रख करके मृदुल भाषी जो बनता है वही व्यक्ति जीवन में और दुनिया में और परिवार में और कुल में और पूरे संसार में अपना स्थान बना पाता है। इसलिए वाणी भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये बात सही है कि ये माँ पार्वती के स्वरूप में, सामा के स्वरूप में ही कालरात्रि का यहाँ हम देखते हैं। माँ कालरात्रि का बुद्धि प्रदा भी कहते हैं। माँ कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली है, लेकिन श्यामा के स्वरूप में कालरात्रि बुद्धि भी प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। इसके लिए आप जब हवन करते हैं तो केला आप हवन में डालें, निश्चित रूप से आपकी वाणी पर नियंत्रण होगा और घर में सुख शांति व लक्ष्मी की आगमन होगा और उसका विस्तार होगा। पंडित जी, जिस मुहूर्त में घट स्थापित किया गया है नवरात्रि के पहले दिन, उसी मुहूर्त में पूजा उस दिन करनी चाहिए माँ कालरात्रि की, सुबह से जातक क्या विशेष उपाय कर सकते हैं इस दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए? देखिए, आपने प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग रखा है। ये बात ठीक है कि मुहूर्त का प्रधानता है। शुभ मुहूर्तम शुभ लग्नम क्षेमम कल्याणम आरोग्यम शुभम भवतु। जैसा शुभ घड़ी में हम कार्य को शुभारंभ करते हैं तो शुभ ही फल प्राप्त होते हैं। घड़ी को देख करके जरूर आपको मुहूर्त करना चाहिए। लेकिन हमारे संपूर्ण संसार में हमारे काल जब पंचांग की रचना करते हैं, काल कहते हैं समय को, तो प्रभात यानी सुबह ब्रह्म वेला जिसको बोलते हैं, ये शुभ मुहूर्त होता है। भले इसमें कोई भी चौगड़िया रहे, कोई भी हो रहा रहे, लेकिन ये शुभ मुहूर्त माना जाता है। वहीं अभिजित मुहूर्त को दोपहर हम इसको शुभ मानते हैं, संध्या के समय गोधुल वेला को हम शुभ मानते हैं, मध्य रात्रि को हम शुभ मानते हैं, आप फेरे जब कराते हैं तो मध्य रात्रि में फेरे कराना शुरू करते हैं। तो ये जहाँ दो पार्ट मिलते हैं, दो पार्ट कहते हैं, रात्रि का समापन और दिन का आगमन शुभारंभ, तो वो पार्ट हुआ ब्रह्म वेला। ब्रह्म वेला में स्नान, वैसे भी मनुष्य को सूर्य आदि से पूर्व ही स्नान आदि करके और अपनी पूजा ध्यान ब्रह्म वेला में करनी चाहिए। तो ब्रह्म वेला में जो लोग शुभारंभ करते हैं माँ भगवती की नित्य पूजा, वो नियमित रूप से करें। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा प्रसंग रखा कि पूजा आपने घट स्थापना में जो किया वो समय हो या कोई और समय हो, समय तो आपको ब्रह्म वेला लेनी है सुबह का, या फिर अभिजित मुहूर्त लेना है। लेकिन आपने जो संकल्प लिया है, संकल्प कहते हैं किसी भी काम को कि मंजिल को तय करना, और उसके लिए हमें एक चीज़ निर्धारण अपने मन में करना कि मुझे नियमित रूप से दुर्गा चालीसा के पाठ करने हैं, मुझे दुर्गा सप्तशती के पाठ करने हैं, मुझे अर्घला स्त्रोत करना है, मुझे कीलक करना है, या मुझे दुर्गा कवच करना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें करना है। ऐसे में जो संकल्प लेते हैं, संकल्प के दौरान
रामचरितमानस के पाठ के लिए भी संकल्प लिया जाता है और इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा के लिए पाठ का संकल्प लेते हैं और वाल्मीकि सुंदरकांड का संकल्प लेते हैं। अनेकों प्रकार के संकल्प होते हैं जो पूजा के दौरान करते हैं, तो यहाँ जो संकल्प लिया है उसको नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में शुभारंभ करें तो साधक के मन में प्रसन्नता रहेगी और साधक के कार्य बनेंगे। माँ, ये जो कालरात्रि है ये समस्त आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो किसी प्रकार के आसपास के रोगाणु हो या फिर कोई कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कमजोर हो ही पड़ी हो, उन सबको मजबूत करती है। इसलिए काली मिर्च का आप हवन में उपयोग करें, इस्तेमाल करें। वहीं माँ भगवती ये सब भी है लेकिन साइंटिफिक रीजन है कि एंटी ये बैक्टीरिया होता है और काली मिर्च को जरूर हवन में डालना चाहिए, शहद इसमें लेना चाहिए, जीवन में मिठास आता है, हवन के दौरान इनका प्रयोग किया जाता है और ये सबसे शुद्ध चीज़ मानते हैं शहद को। सरसों भी हवन में डालनी चाहिए, उपयोग लेना चाहिए, इससे शत्रुओं का नाश होता है, बुरी नज़र वालों से रक्षा होती है। और पालक, जो पालक है वो ज़रूर थोड़ा सा डालना चाहिए हवन के दौरान ताकि घर में हरियाली रहे। मेरे गुरुदेव बाबा हीरा खान बताया करते थे कि जब आप यज्ञ हवन करते हैं उसमें सेब, उसमें केले, उसमें पालक, उसमें आपके लौंग, अनेकों प्रकार की चीज़ आप जब माँ के डालते हैं और फिर खीर आदि तो करेंगे ही, और ख़ास तौर पर जो माँ को हवन में खीर अर्पित के साथ में हलवा बनाते हैं घर में बना करके लगाते हैं, उसमें किशमिश आदि डालें और ये सब डालने के साथ आप भोग लगाएं और एक नींबू जरूर डालें। नींबू का बड़ा महत्व है, बिजोरा बोलते हैं इसको, इसमें आप डाल सकते हैं, बिना बीज का नींबू होना चाहिए ये, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा को नाश नहीं होने देता और व्याधि नाशक बोलते हैं इसको। और कालरात्रि को हलवा बहुत प्रिय है इसलिए हलवा का हवन में जरूर भोग लगाएं। आप यदि अपने जीवन में सदैव मुस्कुराहट चाहते हैं तो माँ भगवती को अपने हाथ से बना करके पकवान का आप हलवा का आदि का भोग लगाएं। लेकिन एक बात हम सभी सब दर्शकों को बताना चाहते हैं हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि समस्त यहाँ दर्शकों के लिए भावे ही देवा वित्ते तस्माद भावे ही कारणम, माँ भगवती या अन्य कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, चाहे हनुमान उपासक हैं, चाहे आप भैरव उपासक हैं, दुर्गा उपासक हैं, या फिर आप नॉर्मल अपने घर में पूजा कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके भाव चाहिए, आपकी तन्मयता चाहिए, आपकी उत्सुकता चाहिए, आपकी तल्लीनता चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका सदाचार चाहिए, आपकी शुद्धता चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, तब माँ को आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उपयुक्त सारी चीज़ों को आपने यहाँ पूजा में इस्तेमाल किया, पूजा में प्रयोग में लिया, लेकिन आपका भाव सबसे ऊपर होता है, तो माँ भगवती के चरणों में भाव लेकर के जब पूजा करेंगे तो निश्चित माँ कालरात्रि का आपको आशीर्वाद और आपको और आपके परिवार को जरूर प्राप्त होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम और भाव के ही भूखे हैं। और आगे भी इस पर चर्चा पंडित जी से करते रहेंगे। यार रुकेंगे छोटे से विराम के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में, उनको प्रिय भोग के बारे में, किस तरह से उनकी पूजा नवरात्रि के सातवें दिन पर की जानी चाहिए उस बारे में पंडित जी हमारे साथ में मौजूद हैं। पंडित जी आपने बताया भोग क्या पसंद है माँ को, लेकिन जो जातक हैं जो उपवास कर रहे हैं नवरात्रि के 9 दिन, उन्हें इस दिन क्या विशेष ध्यान में देना चाहिए? देखिए आपने बहुत ही अच्छा हमारे सभी दर्शकों के लिए, खासतौर पर माँ के भक्तों के लिए बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है। माँ भगवती की जब पूजा अर्चन करते हैं निश्चित रूप से हमारा ये सभी जानते हैं कि इसमें बहुत शुद्धता से रहना होता है, ख़ास तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, नाखून आदि नहीं काटते हैं। और मैं कहूँगा कि कई लोग ये कहकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं कि ये तो माँ का प्रसाद है और शराब आदि ले लेते हैं। मैं कहूँगा इस दौरान बिल्कुल भी आपको शराब आदि नहीं लेना चाहिए, अपने खान पीन पर परहेज रखना चाहिए,
विशेष तौर पर कोई भी चीज़ इस तरह की ना खाएं और इस तरह का ना पिए जो नशे आदि की चीज़ें हों या फिर वो निषेध हों। इसमें शुद्धता से पवित्रता से रहने का ही बड़ा महत्व है। नवरात्रा के दौरान बहुत से लोग शेविंग भी नहीं करते हैं, कटिंग भी नहीं कराते हैं, नाखून भी नहीं काटते हैं और ये अपने आप में ये सब चीज़ों का एक बड़ा महत्व है। तो नवरात्रा के दौरान शुद्धता पर विशेष ध्यान दें, पवित्रता पर विशेष ध्यान दें। यहाँ तक कि आज देखिए स्थिति यह है कि आज का जो युवा है वो बहुत व्यस्त रहने लगा है और कोई भी काम नहीं है। मान लीजिए उसके पास कोई काम नहीं है और एंड्रॉयड यदि फ़ोन है तो समझो दुनिया का काम उसके पास है, क्योंकि पूरे वो विश्व से जुड़ जाता है और वो केवल मोबाइल को लेकर के बैठा रहेगा और पूरा दिन निकाल देगा, लेकिन भक्ति के मार्ग पर या धर्म की पूजा पाठ के स्थल पर जाना या पूजा करना उचित नहीं समझता। मैं सभी युवाओं को और ख़ास तौर पर उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि ये मोबाइल से जीवन चलने वाला नहीं है। आपको भगवान की साधना आराधना करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन हमारी धर्म संस्कृति हमारे पूर्वज जैसे चलते आए हैं उस तरह से आपको 100% नहीं तो कम से कम 10% तो उनकी लकीरों पर, उनके रास्ते पर, उनके पैरों पर चलना चाहिए, ऐसा आपको मन में आना चाहिए। और इसके लिए आप क्या करें, बड़ा सरल बात है, कहीं भी मंदिर में आरती हो रही हो आरती में सम्मिलित हो, कोई यज्ञ हो रहा हो यज्ञ में सम्मिलित हो, ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो आपके अपने ये जीवन साथी जो आपका मोबाइल आप मानते हो इसी में आप आरती माँ की बोल सकते हैं, माँ का दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। आप ये सब भी नहीं कर सकते तो माँ का नाम जो है आप ले सकते हैं, और इतना सब भी नहीं कर सकते तो आप एक मंत्र कर सकते हैं और ये मंत्र है बड़ा सरल मंत्र है। कितना सरल मंत्र है कि इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है और बड़ा इजी गोइंग कर सकता है और ये करना ही चाहिए। मैं कहता हूँ हर एक व्यक्ति को करना चाहिए और ये मंत्र जीवन में आपकी तर्क की उन्नति के साथ आपको हर तरह एक रास्ता देगा और एक आपको संभल देगा। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यन संशया सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मे पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवाश्वलाच्छा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। हे माँ भगवती, पूरे विश्व की पालन करता आप मुझ पर भी कृपा करें। और ये सब भी नहीं बोल सकते हैं तो माँ भगवती को बार बार प्रणाम करें। माँ भगवती, मातेश्वरी आपके चरणों में प्रणाम, मातेश्वरी आपके चरणों में प्रणाम। ऐसा करने से माँ आपको ऊपर कृपा करती है और उस कृपा की आप पात्र बन जाते हैं। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, इस समय सबसे बड़ी आपदा आई हुई है गौ माता पर। गौ माता जिस चीज़ से, जिस बीमारी से जूझ रही है, हम उन्हें माता कहते हैं, लेकिन लंपी स्किन डिजीज ने इतनी गौ माताओं को अपनी काल के ग्रास बना लिया है। कई जो पशुपालक हैं वो इस चीज़ से बहुत व्यथित हैं। आपने कहा कि कालरात्रि माँ का स्वरूप है पीड़ाओं को हरने वाला, दुख दर्द परेशानियों को, तकलीफों को, बीमारियों को हरने वाला। क्या इस दिन वो लोग जिनके घर पर गौ माता है, गाय है, और जो इस बीमारी से ग्रसित है, कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे इससे निजात जल्द से जल्द मिल जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। खास तौर पे आज हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से और हमारे समस्त परिवार के सहयोग से आपको, दर्शकों को बताना चाहूँगा और अपील भी करना चाहूँगा, आप जहाँ आप गाय रखते हैं, आपका गाय का घर, गाय का बाड़ा या गौशाला, जो भी आपका गौ विराजते हैं, वहाँ पर जाकर के हाथ में जल लें और काले तिल उसमें रखें और एक सुपारी रखें और उसके साथ ही आप थोड़े चावल रख दें और संकल्प करें आपका नाम बोलते हुए और आपके गौ माता का जो भी स्वास्थ्य आप चाहते हैं स्वस्थ होना, साथ में रोग दोष कष्ट पीड़ा निवारण का ध्यान करते हुए हंसते हुए मुस्कुराहट में माँ भगवती के चरणों में, खास तौर पर कालरात्रि के चरणों में आप प्रार्थना करें कि मेरी गौशाला एकदम स्वस्थ हो, मेरी गाय स्वस्थ हो, और स्वस्थ की कामना करते हुए उसे लेकर के संपूर्ण जगह घुमा करके और उसे काले कपड़े में बांध करके आप टांग दीजिए। साथ ही आप वहाँ पर एक आग जला करके उसमें करीब
51 लौंग के जोड़े और 51 इलायची और थोड़ी गूगल धूप ये लेकर के उसकी धुआं करें। निश्चित रूप से आपके गौशाला में और आपके परिवार में जो गौ पालक हैं उनके लिए इससे कालरात्रि माँ उनको मुक्ति देगी और उनका सहयोग करेगी और उनकी गौ एकदम स्वस्थ और प्रसन्नता के साथ में रहेगी। तो पंडित जी, बातें आपसे की, यहाँ पर सवाल रहे, आपके जवाब रहे, अंत में आज आपके इस खास दिन के लिए आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे खास? देखिए, माँ भगवती कालरात्रि जो समस्त प्रकार के काल का कष्टों का निवारण करने वाली, दुश्मनों का नाश करने वाली और मृत्यु रोग कष्ट पीड़ा को हरने वाली माँ, जीवन में सदैव मुस्कुराहट देने वाली माँ भगवती का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मैं सभी हमारे दर्शकों को ये अपील करना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार की ओर से कि आप जब माँ भगवती की पूजा अर्चन करते हैं उस समय शुद्धता से, पवित्रता के साथ अपने मनोयोग से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जिस घर में, परिवार में जहाँ सद्भाव होता है, प्रेम होता है, वहीं माँ की कृपा होती है। इसलिए कहीं भी परिवार में कोई मन में किसी भी प्रकार से किसी के प्रति भी कोई कड़वाहट है तो मैं चाहूँगा और ये आपसे अपील करूँगा कि आप इसको बिल्कुल दिल से, मन से, आत्मा से निकाल दें और प्रसन्नता के साथ आज से अपना जीवन को एक नई मुस्कुराहट के साथ, एक प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को जिए। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। ये बात भी सही है कि आपको भगवान की कृपा पाने के लिए कहीं नहीं जाना, माँ भगवती की कृपा आपके घर में है। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, कर विचार देखो मन माही। भगवान की कृपा आपके मन में है, जब आपका मन पवित्र होता है तो फिर वहाँ प्रभु की कृपा होती है। और प्रभु की कृपा के लिए यदि आप श्री रामचरितमानस के नवपरायण कर रहे हैं तो आज सातवां परायण आपने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ भी कहा है, अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सुनावा। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। भगवान राम ने, देखिए, रावण को जब देखा कि उनके मस्तक पर तिलक है और रावण ने उनकी पत्नी को ले गए थे, उस रावण को देखने के बाद राम उस विप्र को, उस ब्राह्मण को, उस स्वरूप को, ब्राह्मण स्वरूप को जाकर के और प्रणाम करते हैं। शत्रु से भी आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। विनम्रता वो चीज़ है, आपकी शालीनता वो चीज़ है कि शत्रु भी आपको आशीर्वाद दे देते हैं। इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल पंडित जी, आप आए, आपने अपना समय निकाला और इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों के लिए आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए और ये रोचक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो दर्शकों, आशा यही करते हैं कि आपने सुन लिया होगा कि माँ कालरात्रि को किस तरह से प्रसन्न करें। और हमारी कोशिश भी यही थी कि आप एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो पंडित जी ने बताई उनको आप आज के दिन के लिए खास बनाने के लिए उपाय में ले सकते हैं और अपने इस दिन को और नवरात्रि के व्रत को आप जिस तरह से कर रहे हैं उसे और भी ज़्यादा खास बना सकते हैं। एक और माता के रूप को लेकर के हमारी विशेष प्रस्तुति के साथ आपके साथ फिर होंगे हाजिर। अभी के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।